हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वाई टी बडी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि रेडमी नोट 4 में आप पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बूटलोडर को अनलॉक का होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो पहले आप उसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपका जो MIUI वर्शन है उसमें आपको टैप करते जाना है। देखिए, ये आपको 5 times टैप करना जाना है। उसके बाद वो दिखाएगा कि यू आर अ डेवलपर। सो डेवलपर मोड में जाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। वहाँ पर देखिए USB डिबगिंग है, इसको आपको इनेबल करना है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो डेटा केबल है उसको आपको लगाना है मोबाइल के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ कुछ डाउनलोड वाला फोल्डर जितना भी है। तो वहाँ से आपको जो ADB वाला है एंड जो USB ड्राइवर वाला है, उन दोनों को आपको अनजिप करना है। अनजिप करके एक फोल्डर के अंदर डाल देना है, जैसे मैंने अभी डाल दिया हूँ। और उसके जो ADB वाला फोल्डर है उसके अंदर आपको जो TWRP वाला है, TWRP फाइल को उसके अंदर डाल देना है। देखिए, मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और उस फाइल को आपको रीनेम करके TWRP.img कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद आप देखिए, आपका कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहा है कि ADB इंटरफेस ऐसा करके दिखा रहा है। जब भी आप अदर डिवाइसेज में ऐसा दिखाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो USB ड्राइवर का लिंक भी मैंने दे दिया हूँ, तो इसको आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर करना है। आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर करके आपको उसके बाद आपको लेट मी पिक फॉर्म ए लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर, इसमें क्लिक करना है। करके शो ऑल डिवाइस नेक्स्ट करना है। करके आपको हैपडिक्स में करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्राउज करके जो आपका फोल्डर है आप वहाँ चला जाइए। देखिए, USB ड्राइवर वाला फोल्डर है, इसमें आपको ए वाला जो फाइल है, IMF वाला फाइल, इसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आप यस कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसको आपको फास्ट फूड डिवाइस में जाना है। तो इसके लिए पहले आपको मोबाइल को पावर ऑफ कर लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखिए। ठीक है, देखिए फास्ट फूड में आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ADB वाला फोल्डर में जाना है। उसके अंदर जाके आपको शिफ्ट और आपका माउस का राइट क्लिक दबाना है एक साथ। और यहाँ से आपको ओपन कमांड विंडो ईयर ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना होगा, वो है FASD फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस करके एंटर देना है। देखिए, ये आपका डिवाइस दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर उसके बाद आपको एक और कमांड डालना है, वो है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। और उसके बाद जो रिकवरी का ना TWRP का जो नाम है, वो जो आप पहले उसको रीनेम करके TWRP कर लेना, TWRP.img। तो देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको डिवाइस को वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दोनों को एक साथ दबाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका TWRP में बूट हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक जो लेजी फ्लैशर वाला जो फाइल मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको भी आपको इसके अंदर आपको इंटरनल मेमोरी में आपको कॉपी कर लेना है, ठीक।
ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आपका फिर से जो आपका डेटा केबल है उसको लगाना है। लगाने के बाद देखिएगा आपको ये आपका कंप्यूटर में आपका मोबाइल आ जाएगा। ये आप TWRP स्क्रीन में भी करके आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका TWRP स्क्रीन में आपको मोबाइल डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ पर माउंट में जाना है करके, यहाँ पर अगर इनेबल MTP लिखा रहेगा तो इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो मैं लेजी फ्लैशर वाला जो फाइल है इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि लेजी फ्लैशर वाला जो फाइल है इसको आपको फ्लैश करना ही है, नहीं तो आपका डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक कॉपी हो चुका है डिवाइस में, तो अभी बैक जाना है, इंस्टॉल में जाना है, लेजी फ्लैशर को सिलेक्ट करना है करके स्वाइप टू कॉन्फर्म फ्लैश, ठीक है। ये हो चुका, तो अभी आप रिबूट कर लीजिए एक बार सिस्टम को। तो देखिए दोस्तों ये अभी फिर से रिबूट होके चला आया है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जितना भी डेटा है डेटा को सब बैकअप ले लीजिए, क्योंकि इससे जब भी आप फ्लैश करेंगे तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको TWRP में जाना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड पावर की को एक साथ दबा के रखना है। देखिए दोस्तों ये फिर से TWRP में बूट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वाइप में जाना है, जाके स्वाइप टू फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है जाके, अभी आपको जो फाइल है पिक्सेल एक्सपीरियंस जो फाइल है उसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको आप इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों कॉपी हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल में जाना है, जाके पिक्सेल एक्सपीरियंस जो है इसको आपको स्वाइप टू कॉन्फर्म फ्लैश कर देना है। तो देखिए स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई गैप्स का पैकेज नहीं लगेगा, क्योंकि गैप्स का पैकेज इसमें गूगल का पैकेज इसमें प्री इनबिल्ट रहता है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा पॉज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये लगभग हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको रिबूट सिस्टम में जाना है, तो ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फास्ट बूट जो होता है, कोई भी रोम फ्लैश करने के बाद फास्ट बूट जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको वेलकम स्क्रीन में। तो देखिए दोस्तों ये आ चुका है वेलकम स्क्रीन में। तो मैं फटाफट से इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हो चुका है।
देखिए दोस्तों, पिक्सल एक्सपीरियंस रोम आपका रेडमी नोट 4 में इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। इस पर देखिए डिवाइस नेम है रेडमी नोट 4, देखिए एंड्रॉइड वर्जन 10 एंड ये चल रहा है आपका पिक्सल एक्सपीरियंस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तो टिल देन, बाय बाय।